खरे की रसोई से मैं हूँ शशि खरे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आदाब। आज मैं सोयाबीन के चंक्स की चाट बनाने जा रही हूँ। सोयाबीन बहुत ही पौष्टिक आहार है, इसको मैंने आज बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा बनाने की कोशिश करी है और जो आसानी से बन भी जाता है। इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है और बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ये सामग्री नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप सोयाबीन के चंक्स जो भीगे हुए हों और काफ़ी निचोड़ लें, जिसमें पानी बिल्कुल ना रहे। इसके बाद हम 1/2 कप मखाना लेंगे जो कि खूब फूला फूला हो और तलने में और खाने में मज़ा आए जिसको। 8-10 दाने किशमिश के लेंगे, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई 1 चम्मच, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार जितना आप पसंद करती हूँ, और तलने के लिए तेल। अब हमारी सामग्री जो है वो तैयार हो गई और हम फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम ऑन करके हमने इस पर फ्राई पैन चढ़ा दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डाल के अब हम इसको ना थोड़ी देर इसको गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, जब तक कि ये गर्म नहीं होगा। और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सोयाबीन के चंक्स डालेंगे। हम इसको देखने के लिए कि तेल हुआ है कि नहीं, हम इसमें थोड़ा सा 1 दाना सोयाबीन चंक्स का डाल के देखेंगे, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि तेल हीट हो गया है कि नहीं। सोयाबीन चंक्स को हम लोग सोयाबीन का चूरा भी कहते हैं। अभी थोड़ा सा तेल में कसर है और अभी और थोड़ा सा तेल हो जाएगा तब हम इसमें इसको डालेंगे। अब हमारा सोयाबीन का ये तेल तैयार हो गया है डालने के लिए, इसमें हम इसे डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे डाल के चलाते रहेंगे, जिससे कि ये जलने ना पाए। अब ये सोयाबीन के चंक्स हमारे गुलाबी गुलाबी हो चुके हैं और इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। उसमें प्लेट में हम एक पेपर टॉवल को लगा देंगे, जिससे कि ये सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है उससे सोख लेगा और एक्स्ट्रा ऑयल हमारा मखाने करने के काम आ जाएगा। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा तेल और डालते और मखानों को फ्राई करना शुरू करते हैं। जब मखाने को भी हम इतने ही गुलाबी गुलाबी करेंगे जैसे हमने सोयाबीन की चंक्स को किया। गुलाबी गुलाबी हो गए हैं और खूब कुरकुरे हो गए हैं, इनको भी हम इसी प्लेट में निकाल के और तैयार करके निकाल के रखते हैं, जिससे कि ये भी पेपर टॉवल पे डल जाएंगे तो इसका भी रंग जो है मैं तेल जो है इसमें आ जाएगा। अब इसमें हम 8-10 जाने किशमिश के डाल के थोड़ी देर 1-2 मिनट फ्राई करते हैं और इसे भी हम गुलाबी होने तक 1-10 मिनट थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे और इसे भी हम जो है निकाल लेते हैं। मखाने और किशमिश तीनों चीज़ें हमारी तला गई हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं। तीनों चीज़ें मिक्स करके हम इसमें अब 1/2 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैं थोड़ा कम डालूंगी, और 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, जिससे कि इसमें भी नमक है इसलिए मैंने थोड़ा नमक कम डाला है। अब हम 1/2 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। जितना आपको खट्टा करना हो, और कई लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसे डाल के फिर हम मिलाएंगे, जिससे कि इसमें नींबू और नमक और चाट मसाला बराबर मिल जाए। पत्ते सजाएं और पत्तों के ऊपर सोयाबीन चंक्स, मखाने और किशमिश को मिक्स करके मिला दिया है।
अब इसमें हम और थोड़ा सा चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे, जिससे कुछ अच्छा तेज़ चटपटा आ जाएगा प्याज की तेज़ी का। और इसको थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती डालेंगे। अब ये हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको अब टेस्ट करके देखा जाए। वाह, बहुत स्वादिष्ट।